माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। एक किसी भी स्तर से मैं एक पॉलिटिशियन के रूप में यहाँ पे नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं आप सब भाई बहनों के एक बेहतर फ्यूचर हम कैसे बना सके इस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में आया हूँ। और भारत माता की जय और छत्तीसगढ़ की जय, ये हम सब के मन में होना चाहिए, तब हम देश के लिए समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने आप को आगे बढ़ाने के साथ साथ। तो सभी मेरे युवा भाई बहनों को सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि आप लोग ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में प्रवेश किए हैं, और हमारे वीसी साहब, पाटीदार साहब, जिनको मैं लगातार देखता हूं कि कंटिन्यूअस लगातार आप लोगों के लिए एक्टिव रहकर कैसे बेहतर से बेहतर किया जा सके इसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं। देवांगन जी, गिरीश जी, मेरे साथ आए हुए जुगल जी, हमारी और सारी मैडम लोग, और मेरे पुराने टीचर भी जो यहाँ उपस्थित हैं, उनको मैं विशेष रूप से नमन करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा। मेरे शिक्षक भी आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं जब मैं पढ़ाई करता था उस समय के, और मेरे सारे भाई बहनों, आप अपने लाइफ के, अपने जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फेज पर हैं। अभी आपका उम्र ऐसे समय पे है जिसमें अगर आने वाले 5-7 सालों को आप सही डायरेक्शन में सही तरह से यूज करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप आगे बढ़ने से आपको रोक सके। वहीं अगर अभी के 4-5 सालों को अगर आप खराब कर लेते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत है ही नहीं जो आप ऊपर उठा सके। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ जिसमें आपका पूरा लाइफ तय होना है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को लेकर गंभीर हो जाएं कि आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज अभी आ चुका है, और इनमें से एक भी दिन को, एक भी महीने को, एक भी घंटे को हमको खराब नहीं करना है। ये सबसे पहले अपने अंदर कमिटमेंट लाइए, मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, तभी आप सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम है, आप सब लोगों को मालूम है कि जैसे 10th पढ़ते हैं और जो 10th के बाद घर वाले सबको मतलब बोलेंगे मैथ्स ले लो, फिर जब मैथ्स ले लेते हैं मतलब जो बहनें होती हैं उनको बोलते हैं तुम बायोलॉजी ले लो तो बायोलॉजी ले लेते हैं, फिर 12th पास कर लेते हैं, फिर कॉलेज में कहीं पर भी बिना कोई प्लानिंग के अपन एडमिशन ले लेते हैं एक नॉर्मल वे में सोचते हुए, फिर जैसे ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन भी लोग ऐसे ही कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि मुझे करना क्या है, एक्चुअली मैं अपने करियर में, अपने लाइफ में क्या चाहता हूं इसको इसके बाद सोचते हैं कि हम पीजी करने के बाद क्या क्या करें, क्या करना चाहते हैं। इस तरह का होता है कि नहीं होता है? हम में से भी बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसे हुआ होगा, हुआ ही होगा। तो इसलिए अब मैं कहना चाहूंगा कि टाइम है चेंज नाउ, समय बहुत आगे निकल चुका है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, देश बहुत आगे निकल चुका है, तो आपको टाइमली प्लान करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। तो आने वाले 5-7 सालों का आपका रोड मैप पूरी तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी आपको जो आपके इंटरेस्ट हैं, आपको जिस चीज का पैशन है, पैशन को अगर आप अपना करियर बना सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, सबसे अच्छा है। लेकिन जो भी आपका, तो जो भी करियर है उसके लिए प्लान करना, उसके लिए प्लान ए रखना, उसके बाद अगर वो कुछ दाया बाया होता है उस फर्स्ट प्लान ए में तो उसके लिए एक सेकेंडरी प्लान बी तैयार रखना, और अकॉर्डिंगली अगर और जरूरत पड़ जाए तो प्लान सी तैयार रखना। ये आपको अभी से कर रखना चाहिए, अच्छी तरह से कर रखना चाहिए। अगर हमारा ये सब कुछ प्लान्ड है, आने वाला 5-7 सालों का जो फ्यूचर है उसके लिए आपके दिमाग में क्लियरिटी है कि मुझे ये करना है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो साइड में ये करना है, अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो साइड में ये करना है, अधिकतम प्लान बी प्लान सी तक आदमी को जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले 5-7 सालों के लिए अपना करियर प्लानिंग आप क्लियर कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अभी आप
यहाँ ग्रेजुएशन करने के लिए एंटर किए हैं, आप यहाँ ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि आपका रिसर्च में मन हो तो उस डायरेक्शन में क्या करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट हो तो MBA के लिए आप कौन सा MBA करना चाहते हैं, इंडिया में करना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं, इंडिया में करना चाहते हैं तो कौन सा IIM आपका टारगेट है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपका टारगेट है, उसको आप टारगेट करें। अगर वो नहीं हो पाता तो प्लान बी क्या है आपका, कोई हो सकता है कि आप में से सिविल सर्विस प्रिपेयर करना चाहता हो, ISPSC प्रिपेयर करना चाहता हो, तो उसके लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा। मतलब 12th पास होने के बाद सबसे बेस्ट टाइम होता है, अगर आप सिविल सर्विस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 12th के बाद, मतलब अभी जो फर्स्ट ईयर का समय है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद काफी देर हो जाती है। तो जिसको अगर IAS करना है, PSC करना है, तो उसमें आपको क्या करना है, अभी से क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए, किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज चैनल में कौन सा न्यूज चैनल हमको अडॉप्ट करना चाहिए, डिबेट्स में कौन से चैनल के डिबेट्स को हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, हमको किन किन स्किल्स को, जैसे अभी VC साहब बोल रहे थे कि वी हैव टू फोकस ऑन आवर स्किल अपग्रेडेशन, कौन कौन से स्किल को हमको अभी से इम्प्रूव करना है, ये सारी चीजें आपको अभी से प्लान करके चलना चाहिए। जब ये आप प्लान कर लेंगे और आपका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार रहेगा तो कभी आपको पैनिक नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, नहीं तो जरा सा कुछ 19-20 होगा तो आप टेंशन में आ जाएंगे, घर वाले कुछ बोलेंगे तो आप कुछ का कुछ सोचने लगेंगे, मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो आप अपने आने वाले 5-7 सालों का क्लियर रोड मैप बना लें, वो सबसे पहला काम है। जब वो क्लियर रोड मैप आप बना लेंगे तो आपको टेंशन और पैनिक नहीं होगा। तो सबसे पहला और प्रैक्टिकल और सिंपल जो मेरी ओर से सलाह है सारे युवा भाई बहनों को, वो है कि आप अपना रोड मैप आने वाले 5-7-8 सालों के लिए तैयार कर लें। हो सकता है कि ये रोड मैप को 4 साल से आगे ले जाने की जरूरत ही ना पड़े, IAS आप टारगेट करें और फाइनल ईयर के साथ IAS क्लियर कर लें। हम तो शुभकामना सारे लोग इसी बात की देंगे आपको, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सबसे खराब सिचुएशन के लिए हमको प्लानिंग करनी है, बट आशा और विश्वास सबसे बेस्ट सिचुएशन के लिए हमको रखना है। तो हमको सेम टाइम बहुत आशावादी भी होना चाहिए, होना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम हमको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर भी होना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ बहुत नेगेटिव हो जाता है तो मैं क्या करूंगा। इस दोनों तरह की प्लानिंग आपको अभी से प्रैक्टिकली करके चलना चाहिए। मैं एक चीज आपसे लोगों से जानना चाहूंगा कि इसमें से सिविल सर्विस को लेकर कितने लोग इंटरेस्टेड हैं IAS या PSC प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें मेरा लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और दिल्ली में मैं काफी टॉक करता हूँ, काफी बड़े बड़े जगहों पे जाता हूँ, तो मैं 5-10 मिनट इस चीज के लिए डिवोट कर देता हूँ कि किस चीज पर फोकस करना चाहिए। जिसको IAS प्रिपरेशन करना है उसको क्या करना चाहिए, उस पर मैं 5-10 मिनट बात कर लेता हूँ। आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, रिकॉर्ड हो ही रहा होगा तो उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी आप मेरे लाइफ की स्टोरी पूरा बताते, मेरे एक दोस्त ने पूरे वीडियोस बनाए थे और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने शायद यूट्यूब से इसको कलेक्ट किया होगा और यहाँ पे रन किया, तो आपने खुद देखा मेरे लाइफ स्टोरी को लगभग। तो मैं बेसिकली एक बात बोलना चाहता हूँ आपको कि जब मैं 12th पास होके गया था तो गाँव की स्कूल से 12th पास होके गया था, और मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मतलब मैं जब 12th क्लास में था तब तक गांव में ठीक से हम लोग न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते थे, न्यूज़पेपर भी ठीक से नहीं पढ़ते थे, जबकि ISPSC के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही नॉर्मल चीज है, वहां तक भी नहीं करते थे। बट और कुछ भी पता नहीं था, और गांव की बात छोड़ो, तब मैं भिलाई में रहता था तो उस समय भिलाई में, रायपुर में किताबें तक नहीं मिलती थी। मतलब गाँव का बात छोड़ दो या रायगढ़ की बात छोड़ दो, मैं भिलाई रायपुर की बात कर रहा हूँ, वहां पे ISPSC के लिए किताबें ही नहीं मिलती। इस तरह का सिचुएशन उस समय भिलाई रायपुर में था। लेकिन जब आपके मन में क्लियरिटी हो कि भाई मुझे IAS करना है, ये मेरे मन में क्लियरिटी थी। मैं बिट्स पिलानी के लिए सेलेक्ट हुआ था, बट मैं बिट्स पिलानी ना जा करके मैं चुपचाप, मतलब अपना IAS तैयारी करना है ये करने लगा। बट मैं नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, है ना। मैं उस समय एक उत्साह में, मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत डिसीजन लिया था, ये भी मुझे लगता है कि आपको करियर को सेफ गार्ड करते हुए आगे बढ़ने की दृष्टि से
ज्यादा अच्छा है कि आपके पास एक अच्छा टेक्निकल डिग्री हो, दैट इज मच बेटर वे टू गो अहेड इन करियर। तो आप उसको इस वे से जाएं, और चाहे आईआईटी में हो, चाहे आप ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में हो, या आप आईएम में हो, या एमबीबीएस में हो, या सिंपल बीए करते हो, बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो, आईएएस की एग्जाम में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स बेटर वे टू गो विद अ गुड प्रोफेशनल डिग्री, उसके बाद आईएएस में हम जाएं, दैट्स अ बेटर वे। तो आप उस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो मैं इस डायरेक्शन में ये बात और बोलना चाहूंगा विशेष रूप से कि कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे कि उसमें वीडियो में भी दिखाया कि मैं फर्स्ट ईयर में मसूरी गया कि आईएएस की ट्रेनिंग कैसे होती, कहां होती, देख के आया जाए एक मोटिवेट होने के लिए। तो वहां पे एकेडमी मुझे घुसने ही नहीं दिया। फिर मैं वहां से बड़ा दुखी होकर रोते गाते मैं दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में मैं जाकर देखा और मैं किताब मांगने लगा, तो मुझे फटाफट 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 किताब दे दिया वहां पे, 5 मिनट के अंदर सारी किताबें। तब मुझे डिफरेंस समझ में आया कि भाई डिफरेंस कितना ज्यादा है दिल्ली के परिवेश में और यहाँ के परिवेश में। आज वो परिवेश का अंतर भी काफी हद तक समाप्त हो चुका है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इतने आगे अच्छे तरीके से आज हम सबके पास सारे ऑप्शंस को, सारे नॉलेज के सोर्सेस को अवेलेबल कराती है कि आज के डेट में कोई बहुत ज्यादा बिग डिफरेंस नहीं रह गया है। तो उस समय बहुत डिफरेंस होता था, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि सारे एडवर्सिटीज के बाद, सारे प्रॉब्लम के बाद, मैं अपने 12th का क्लास पास करने के 5 साल के अंदर आईएएस बन गया, इतने सारे प्रॉब्लम के बाद भी। तो मैं बेसिकली यही बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपका प्लानिंग क्लियर है, आपका कमिटमेंट है, आपको क्लियरिटी है, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स है आपको लाइफ में, आपको करियर में, लाइफ में क्लियरिटी ऑफ थॉट्स है, तो आप बहुत इजीली टारगेट को अचीव कर सकते हैं, बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये पहला चीज होता है। दूसरा चीज आईएएसपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाहूंगा कि मैं जब आईएएस कर लिया, उसके बाद हमने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो लबासना है, और मसूरी में 88 आईएएस लोगों के साथ हम लोग ट्रेनिंग किए 1 साल तक, बिल्कुल बोर्डिंग स्कूल की तरह रहते थे 1 साल तक। तो सबके लाइफ को बड़ा पर्सनली देखने को उस समय मिलता है, दोस्त बनते हैं, तो कौन क्या है, कैसे बैकग्राउंड से आया है, उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, जैसे अपने सारे फ्रेंड्स का समझ में आता है, वैसी क्लोजली समझने को मुझे मिला। इसके बाद जब दंतेवाड़ा में मैंने जो एजुकेशनल इनोवेशंस किए, उसके बेसिस पे मसूरी एकेडमी ने मुझे 10 बैच आईएएस के 10 बैच को एड्रेस करने के लिए, इनोवेशन पर एड्रेस करने के लिए 10 बैच कंटिन्यूअसली मुझे मिला। तो वहां पे जिंदगी में यही करना है, जहां से तुमको भगा दिया गया वहां गेस्ट बनना है, ठीक है। तो 10 बैच को वहां पे मैं इंटरेक्ट किया, तो बेसिकली हर बैच में अराउंड 150 आईएएस से इंटरेक्शन हुआ, तो मेरा 1500 आईएएस लोगों से कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हुआ, और उसमें से कई सारे से क्लोजनेस हो जाती है, कई सारे जूनियर से वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। तो उनमें से भी बहुत लोगों की लाइफ को मैंने बड़ा क्लोजली देखा। तो मैं इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद मैंने हमेशा ये सोचने की कोशिश की कि भाई आईएएस की तैयारी करते हैं, पीएससी की तैयारी करते हैं, तो एक कोचिंग में मान लो 5000 बच्चे हैं, तो 5000 बच्चे में कोई 5-2-4 बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। जबकि आज इंफॉर्मेशन के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, सारे लोगों को सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सारे लोगों को सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आज सब लोग वही किताब पढ़ते हैं, सब लोग वही कोचिंग करते हैं, सब लोग वही कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, लेकिन 5000 लोगों में सिर्फ 3-4 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैंने जितने आईएएस लोगों से इंटरेक्ट करके जो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस में जो निकाला, वो मैं 5 पॉइंट्स में आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये 5 स्किल्स ऐसे होते हैं जिनको सिविल सर्विस करने वाले को ध्यान रखना चाहिए, और ये 5 स्किल्स आपके पास हैं तो यू विल डू मच बेटर इन आईएएस एग्जामिनेशन। इट माइट बी पॉसिबल कि आप अपने स्कूल में बहुत अच्छा स्कोर ना करते रहे हो, अपने कॉलेज में बहुत अच्छा स्कोर ना करते रहे हो, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं लेकिन आईएएस में बहुत अच्छा करते हैं। तो मैंने वैसी डिफरेंस को जब आइडेंटिफाई किया, तो 5 स्किल्स में मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा। फर्स्ट स्किल इज लैंग्वेज। अब जिस भी मीडियम में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर मे बी, जो भी आप मीडियम में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उस लैंग्वेज पे आपकी जबरदस्त कमांड होनी चाहिए। पहला चीज, लैंग्वेज पे कमांड करने की आप
हमेशा कोशिश करो। और मुझे लगता है कि लैंग्वेज पे कमांड पूरे लाइफ के लिए जरूरी है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ओनली आईएएस और पीएससी, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी प्रोफेशन, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर इंटायर लाइफ। आज हम राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में बिना लैंग्वेज के, बिना स्पीच के आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हम किसी पॉलिटिशियन को उसके स्पीच से ही जानते हैं, उसके लैंग्वेज से ही जानते हैं। कोई डॉक्टर है जो अच्छी तरह से बात कर लेता है, उसका पेशेंट अपने आप उसका उससे अच्छा फील करने लगता है। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटायर लाइफ। और विशेष करके आईएएस की एग्जाम में मैंने रियलाइज किया कि आपका लैंग्वेज अगर कमांड अच्छी है लैंग्वेज पर, तो यू विल डू मच बेटर इन आईएएस एग्जामिनेशन और पीएससी एग्जामिनेशन। बिकॉज यू हैव टू फेस इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू फेस करना है 275 मार्क्स का, 1750 मार्क्स के मेंस का एग्जाम फेस करना है, तो उसमें सब में लिखना है, लंबे लंबे आंसर लिखने हैं। तो अल्टीमेटली लैंग्वेज एक बड़ा रोल प्ले करता है, पहला पॉइंट। मेरा सेकंड पॉइंट है जनरल अवेयरनेस। कई बच्चे होते हैं जो स्कूल में बहुत बढ़िया टॉपर होते हैं, बट दे डोंट नो कि भाई ग्रीन हाउस क्या हो रहा है, कि दे डोंट नो कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम क्या है, कि दे डोंट नो कि आर्टिकल 370 क्या है। हमको थोड़ा सा अपने इन्वायरमेंट के प्रति भी सजग रहना चाहिए और एक जनरल कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई किसान का प्रॉब्लम क्या है, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम क्या है, हर जो नॉर्मल चीज अपने आसपास होती रहती है उसके बारे में एक नॉर्मल अवेयरनेस होना चाहिए। ये दूसरा चीज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जनरल अवेयरनेस। थर्ड पॉइंट मैं रखना चाहूंगा राइटिंग स्किल। हम लोग कई बच्चे होते हैं जो 25 किताब पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम के 3 घंटे में लिख ही नहीं पाते, होता है ना बहुत सारे बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी आप लोग देखते होंगे। और कई सारे बच्चे होते हैं जो बहुत कम पढ़े रहते हैं, बहुत कम सोर्सेस का यूज करते हैं, बहुत कम किताबें पढ़ते हैं, और उसी से 3 घंटे में इतना अच्छा लिख लेते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्जामिनेशन, आपको यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में भी मैटर करता है, बट आईएएस में स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लो हम मान लो कि मान लीजिए कि हम हिस्ट्री से एग्जाम दे रहे हैं या सिविल इंजीनियरिंग से एग्जाम दे रहे हैं, तो जो हम ग्रेजुएशन में पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जितना सिलेबस पढ़ते हैं, उससे भी कई सब्जेक्ट के सिलेबस बड़े हैं। और वो पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिवर्सिटी में हम उसको 5 साल में पढ़ते हैं, 5 साल में 3-3 पेपर हर साल देते हैं, और एक पेपर के लिए 4-5 दिन हमको एग्जाम टाइम भी गैप मिलता है, और उसको हम रिवाइज करके पढ़ के लिख के आ जाते हैं, और लिख के अपने आप को तो समझते हैं कि हम गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, है ना, होता है ना। जैसे हम 5 यूनिट है पूरे साल भर पढ़े उसको, और वहां पे एग्जाम के बीच में 4-5 दिन का फिर गैप मिलता है, और फिर उसको हम पढ़ लिए, रट लिए, उस समय हम लोगों के जमाने में अजय माला आता था तो उसको पढ़ लेते थे सब लोग, और उसको बढ़िया राइटिंग में लिख के आ जाते थे और टॉप कर जाते थे। आईएएस के एग्जाम में क्या होता है, वो पूरा सिलेबस जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबका मिला जुला होता है, उसका एग्जामिनेशन जैसे 5-6 दिन में पूरे पेपर खत्म हो जाते हैं, 9 पेपर 6 दिन में पूरे पेपर खत्म हो जाते हैं, और 1 दिन में 2 पेपर देना रहता है सुबह और शाम को। तो जैसे मान लो आप फिजिक्स में एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो फिजिक्स के पूरे सिलेबस को 2 पेपर में पूछा जाएगा, और फर्स्ट हाफ में एक पेपर होगा और सेकेंड हाफ में एक पेपर होगा। यू विल नॉट गेट एनी सिंगल चांस टू रिवाइज द थिंग। और ये बेसिकली ह्यूमन ब्रेन से बाहर की चीज होती है कि आप इमेजिन करिए कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबको एक साथ 1 दिन में लिखना है सुबह शाम, तो कितने भी इंटेलिजेंट आदमी के लिए ना वो भूल जाता है। ह्यूमन ब्रेन का एक लिमिट है। जैसे आप जब अभी पढ़ रहे हैं, मान लो भी हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो अभी क्वांटम फिजिक्स बहुत अच्छे से आएगा हमको, फिर मान लो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से आएगा, लेकिन 6 महीना बाद सबको एक साथ 1 दिन लिखना हो, तो इट विल बिगर चैलेंज, डिफरेंट चैलेंज। तो इसलिए ना राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे ह्यूमैनिटी के भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, जीएस के पेपर्स होते हैं, जीएस में हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशल इशूज, इंटरनेशनल इशूज, सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कल्चरल, सब टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो बहुत सारा चीजों में वहां पे क्या होगा, आप जिंदगी भर में जो जहां जो पढ़े हो, आदमी को जब तैयारी करते हुए सोचता है कि मैं ये पढ़ लूं, ये याद कर लूं, वहां पे लिख के आ जाऊं, ये सब चीज सोचता है, बट जब एक्चुअल एग्जाम होता है तो आपको ऐसे लगेगा कि बस वो ब्रेटली के बाउंसर आ रहे हैं और मैं कुछ भी कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली आप ना जो नेचुरल तरीके से लिख पाते हैं वही काम आता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं उसमें राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कितना कम पढ़ के आप
तीन घंटे में बेटर परफॉर्म कर पाते हो, क्योंकि आपको एग्जामिनर उस तीन घंटे में जो लिखोगे उसी से जानेगा, आपने बाकी क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है इससे उसको मतलब नहीं है। इसलिए थर्ड चीज है राइटिंग स्किल। फोर्थ चीज पे मैं आऊंगा, फोर्थ चीज है इंटरव्यू स्किल। हम सभी में सबको बोलना चाहूंगा कि आप में से कई लोगों को स्टेज फोबिया खत्म हो गया होगा, है ना, स्कूल में, बट कई सारे बच्चे हो सकते हैं अभी भी आप लोगों के बीच में होंगे जिनको स्टेज फोबिया हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी के जो साल दो साल है लाइफ में, कुछ भी करना हो, आईएएस करना हो, मैनेजमेंट करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, व्हाटएवर जो भी करना है, आप स्टेज फोबिया को पूरी तरह से खत्म करने का अपना संकल्प ले लो। अभी कितना भी बुरा लगेगा, जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमको बुरा लगता है, तो अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और सारे स्ट्रेस फोबिया को आप अभी के साल दो साल में पूरी तरह से समाप्त कर लो। क्योंकि इंटरव्यू होगा वहां पे आईएएस में या कॉर्पोरेट में भी कहीं भी जाओगे तो इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ेगा। तो हाँ, जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो जैसे आईएएस की एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 1750 मार्क्स का मेंस होता है और 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, बट ये दिखने के लिए होता है कि 2025 मार्क्स का एग्जाम होता है। मेन जो डिफरेंस होता है, 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, सारे इंजीनियर्स, आईआईटीएन, मेडिकल, बीए, एमबीए, बीएससी, बीकॉम, एग्रीकल्चर, जेएनयू, डीयू, सब लोग जाते हैं। उनमें से 150 लोगों का आईएएस में सिलेक्शन होता है, बाकी सब इसे सब मिलाकर अराउंड 1000 का सिलेक्शन होता है। तो उसमें बेसिकली जो मार्क्स का डिफरेंस होता है सक्सेसफुल और फेलियर कैंडिडेट के बीच में, उनके बीच में बड़ी मुश्किल से 60-70-100 मार्क्स का डिफरेंस होता है, और इंटरव्यू में 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, आधे घंटे का इंटरव्यू होगा, और 275 में किसी को 120 भी मिलता है, किसी को 220 भी मिलता है, किसी को 120 भी मिलता है, किसी को 220 भी मिलता है। तो ये डिफरेंस जो 100 मार्क्स का होता है वो पूरा आपको सक्सेस और फेलियर के बीच का यही डिफरेंस होता है, और इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 10 लाख में हार्डली 10,000 के बीच ही कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें लास्ट में ये सब चीजें ही मैटर करती हैं। फिफ्थ चीज मैं बोलूंगा राइटिंग स्पीड। अगर आप 7 पेपर लिख रहे हैं, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, तो हर पेपर में आप 10-15 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे, और हर पेपर में 10-15 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे, तो 7 जो स्कोरिंग पेपर्स हैं उसमें 100 मार्क्स का डिफरेंस हो गया 15-15-15 करते हुए। वही सक्सेस और अनसक्सेस के बीच का गैप होता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज लैंग्वेज, नंबर 2 इज जनरल अवेयरनेस, नंबर 3 इज राइटिंग स्किल, नंबर 4 इज इंटरव्यू स्किल, और नंबर 5 इज राइटिंग स्पीड। और एक चीज और मैं बोलूंगा, प्लेन पेपर में लिखने की अभी से आदत डालो। जितने भी बड़े लेवल की एग्जामिनेशन होते हैं उनमें पेपर प्लेन आता है, हम लोग जनरली लाइनिंग वाले पेपर में लिखने की हैबिट रहती है, तो उसको हमको चेंज करके प्लेन पेपर में जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ इन 5 स्किल्स को हमको डेवलप कैसे करना है। इसके लिए कुछ चीजें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। नंबर 1 न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप सबके सब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले कोई बच्चा है, ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम से अगर आप अभी मैनेज कर सकते हैं तो आपको इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, अगर किसी को सिविल सर्विस करना है, और 1-2 साल बाद द हिंदू में शिफ्ट हो सकते कर सकते हैं। हिंदी वाले अपना दैनिक भास्कर, नवभारत से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इंडियन एक्सप्रेस से भी हैबिचुअल होइए। अब अल्टीमेटली आपको इंग्लिश थोड़ा ठीक करना ही, और इट्स नॉट अ बिग डील, आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा चीज, एक मंथली मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण या विजन के करंट अफेयर्स, कोई भी एक सिविल सर्विसेज मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड चीज, अनसॉल्व पेपर सारी चीजों का ले लीजिए, प्रीलिम्स का, मेंस का, सबका, और अनसॉल्व पेपर को डेली 20 मिनट्स देखने की हैबिट डेवलप कीजिए, उससे अपने आप माइंड का एग्जाम ओरिएंटेशन होता जाता है। नंबर फोर चीज पे आप करिए कि न्यूज चैनल सुनना, उसके लिए डीडी न्यूज को सुनना चालू कर दीजिए, डीडी न्यूज को। फिफ्थ चीज मैं बोलूंगा डिबेट सुनना, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी के डिबेट सुनना स्टार्ट कर दें। राज्यसभा लोकसभा टीवी का डिबेट, मतलब प्रोसीडिंग नहीं बोल रहा हूँ जो नेताओं का चलता रहता है, इकोनॉमिक इशूज में, सोशल इशूज में, आर्टिकल 370 पे, इस तरह के जो डिबेट्स होते हैं उसको हमको फोकस करना चाहिए। फिर नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगा कुछ यूट्यूब चैनल्स यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स में लाइक अन अकेडमी है, विजन आईएएस है, इनसाइट्स है,
स्टडी आईक्यू है, इस तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको फॉलो करना चालू कर दें। और नेक्स्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि राइटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए एक बेसिक प्रिपरेशन होने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, उससे राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगा, राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा, प्रोफेशनली होता है उसी के इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में जो केवल टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसको फॉलो करना चालू कर दें। तो ये स्टेप्स हैं जिसको 12th क्लास के बाद आपको रेगुलर फॉलो करना चाहिए। इसके बाद जो बेसिक बुक्स पढ़ना चाहिए उस बुक्स की लिस्ट मैं ऋषि साहब को शेयर कर दूंगा, अभी टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं लिख के शेयर कर दूंगा, आप लोगों के जो ग्रुप वगैरह होंगे उसमें ऋषि साहब भेज देंगे आपको, मैं लिख के शेयर कर दूंगा इस सेशन के बाद। तो ये सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। अब हम आते हैं कि भाई मेरे कुछ दो चार अपने लाइफ और करियर को कैसे हमको आगे लेकर जाना चाहिए, किस सोच के साथ अभी अपने जीवन को जीना चाहिए, उस पर मेरे कुछ बेसिक थॉट्स हैं, उसको मैं आपको दो तीन पॉइंट कम से कम आपके सामने रखना चाहूंगा। फर्स्ट चीज है जो मैं बिलीव करता हूं वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, ये मैं पहला चीज आपको बोलना चाहूंगा, हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जरा सी भी नेगेटिविटी आपके माइंड में आएगी तो आपकी एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी अपने आप कम हो जाएगी। आप जो भी कर रहे हो, आप टेक्निकल स्टडीज कर रहे हो, कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हो, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आईएएस पीएससी बनना करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने अंदर आसपास पूरी तरह से पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जब पॉजिटिविटी आएगी तो आपकी एनर्जी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में लेसन है। जैसे आप सबको याद होगा, यू मस्ट बी नोइंग द एग्जांपल ऑफ फ्लैप्स। फ्लैप्स के एग्जांपल जानते हैं? फ्लैप्स को कितने लोग जानते हैं? ठीक, बहुत बढ़िया। फ्लैप्स क्या थे बताओ, क्या है? अच्छा, फैकल्टी है जी, स्विमर, ग्रेट, है ना। जो आप कभी गूगल करना, सारे मैं अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके गूगल करिएगा फ्लैप्स कौन है, ठीक है। फ्लैप्स अमेरिका का एक स्विमर है, उसको बचपन में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर था कि उसकी एनर्जी मतलब कूदना फांदना कहीं से भी कूद देना इस तरह की अजीब हरकतें करता था। तो उसकी मदर ने उसको जब बहुत छोटा था तो स्विमिंग पूल में लेके छोड़ दिया, छोड़ना स्टार्ट कर दिया ताकि वो पूरी तरह से वहां एनर्जी उसका थोड़ा एब्जॉर्ब हो और थक के आके फिर सो जाता था। तो फ्लैप्स उसकी माँ ने कोई नेगेटिव सेंस में नहीं किया, उसने यही रियलाइज किया जब इसके अंदर इतनी एनर्जी है तो क्यों ना हम इसको स्विमिंग के डायरेक्शन में चैनलाइज करें। यह सोच के उसकी मदर ने स्विमिंग पूल में उसको छोड़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे नेचुरल तरीके से वो इतना जबरदस्त स्विमर बना, इतना जबरदस्त स्विमर बना कि आप लोगों को पता हो कि हम एक गोल्ड मेडल मिलने पर 140 करोड़ का देश हम खुशी मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, लेकिन हमको यह भी सोचना चाहिए कि फ्लैप्स के पास अकेले एक आदमी के पास 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल है, अकेले एक आदमी 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल, और उसके अलावा 5 और मेडल है, और एक ओलंपिक में उसने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े थे, सुनिए 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये पावर होती है पॉजिटिव थिंकिंग। हम सब जानते हैं बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। उनके बचपन की कहानी कितने लोगों को पता है, क्या हुआ था उनकी स्कूल लाइफ में, आप उनके बारे में भी जरूर पढ़िएगा, गूगल कीजिएगा। थॉमस अल्वा एडिसन जब छोटे थे, ठीक है, जब छोटे थे तो स्कूल में वो जो रोज जाते थे, स्कूल के सबसे फिसड्डी स्टूडेंट थे, स्कूल लाइफ में सबसे फिसड्डी स्टूडेंट थे एडिसन। तो एक दिन क्या हुआ, उनके प्रिंसिपल ने उनको बुलाया और एक चिट दिया, एक पेपर लिख के दिया और बोला कि बेटा इस पेपर को अपने मदर को ही लेके देना और किसी को मत देना। ये उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन की नेक के टीचर ने उनको दिया। उस पेपर को लेकर के अपनी माँ को दिया, थॉमस अल्वा एडिसन बहुत छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे छोटे क्लास में, तो उसको उनकी माँ ने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा इतना गधा है कि आप इसके आने से क्लास के दूसरे बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए कल से हम इसको स्कूल में नहीं लेना चाहते, कल से आप इसको स्कूल मत भेजिएगा, ये लिखा हुआ था। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गया, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने
अपने आंसू नहीं दिखाए, ये नहीं बोला कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, कहते तो झापड़ नहीं मारा उसको, उसको बोला कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम इतने होशियार बच्चे हो कि कल से तुमको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कल से तुम्हारी होम स्कूलिंग होगी। और सोचिए उसकी माँ के इसी पॉजिटिव थिंकिंग ने थॉमस अल्वा एडिसन जैसा साइंटिस्ट हमें दिया, जिसने पूरी दुनिया को बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को उजाला करने का काम किया। ये पावर होती है पॉजिटिव थिंकिंग की। हमको इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना है। माय फर्स्ट मैसेज इज दैट फॉर ऑल ऑफ यू। और दूसरा चीज मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा, हम सब के साथ क्या होता है कि लाइफ में कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो हम तुरंत उसका एक्सक्यूज बना लेते हैं। जैसे हमको कोई बोले कि भाई तुम मतलब तुम्हें ऐसा कोई नहीं होता जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसे मतलब उसको एक्सेप्शन ही मानिए। और जितने बड़े लोग जो हैं लाइफ में, जिन्होंने एक्सट्रीमली एक्सेप्शनली वेल किया, जिन्होंने अपवादिक रूप से एकदम जो जोरदार काम किया, उन सब लोगों के लाइफ में भी डिफिकल्टीज रही है और ज्यादा बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज रही है। आप उनके लाइफ को, उनकी बायोग्राफी को पढ़ोगे तो आपको यही रियलाइज होगा कि कोई बहुत बड़ा आदमी है उसके लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी। तो मेरा ये कहना है कि जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको एक्सक्यूज बनाना हमको छोड़ना चाहिए, बल्कि उसको एक्सक्यूज को, प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को देखने का हमारा नजरिया हमको चेंज करना चाहिए। ठीक है, मैं आनंद कुमार जी को जानते हैं, सुपर 30 जो चलाते हैं, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आनंद जी के ऊपर एक मूवी बनी है सुपर 30, आप जानते हैं, ऋतिक रोशन जी ने उनका रोल प्ले किया है। ऋतिक रोशन जी का एक डायलॉग है, ठीक है, हम लोग आनंद हम लोग ये सब डिस्कस करते थे, उसी बेसिस पे डायलॉग बनाकर उस फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर संजीव दत्ता जी ने ये डायलॉग लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने, जो ऋतिक रोशन बोलता है कि इन अमीरों ने अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाया और हमारे रास्ते में गड्ढा ही गड्ढा छोड़ दिए, यही वो सबसे बड़ी गलती कर दिए कि हमको छलांग लगाना सिखा। जिस दिन समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलान हम ही मारेंगे, यह डायलॉग बोलता है ऋतिक रोशन आनंद कुमार के रूप में। इसको मुझे लगता है कि अपना लाइफ फिलॉसफी को हमको इसी डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। लाइफ में हमको जितनी डिफिकल्टीज आए, जितनी कठिनाइयां आए, उससे हम उतना ही स्ट्रांग बनते हैं। एडवर्स सिचुएशन को फेस करने की हमें उतनी ही अधिक क्षमता विकसित होती। और आपने देखा होगा कि जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है, मतलब जिसके लाइफ में कोई डिफिकल्टी ना हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, वो छोटा सक्सेस तो गेन कर लेता है, लेकिन सामान्यतः बड़े सक्सेस वही लोग गेन कर पाते हैं जिनके लाइफ में ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो डिफिकल्टीज को फेस करने के हैबिचुअल हो जाते हैं शुरू से। और बड़े लक्ष्य के लिए जब बड़ी डिफिकल्टी आती है, बड़े लक्ष्य के सामने, बड़े गड्ढे के सामने जब छलांग लगाना पड़ता है, तो वही आदमी छलांग लगाना पड़ता है, लगा पाता है, जिसको छलांग लगाने की हैबिट होती है। तो इसलिए हमको लाइफ में जितनी डिफिकल्टी आए, कठिनाइयां आए, उसको इजी वे में लेने का हैबिट डेवलप करना चाहिए। हम लोग इस एज में, आप लोग इस एज में है कि जरा सा कुछ होता हो तो आपको बड़ा दुख लगता होगा, बड़ा टेंशन हो जाता होगा, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इससे बेटा ऊपर उठो, इससे जब ऊपर उठ जाओगे तो अपने आप चीजें आपको इजी लगने लगेंगी, और जब इजी लगने लगेंगी और आप ज्यादा बेटर कर पाओगे। ये दूसरा मैं पॉइंट बोलना चाहता हूं। तीसरा चीज, मेरा एक बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है कि कनेक्टिंग द डॉट्स, स्टीव जॉब्स जिसको बोलते हैं, उसी थ्योरी पे मैं बहुत बिलीव करता हूं, और उस थ्योरी से थोड़ा आगे भी मैं बिलीव करता हूं, थोड़ा अलग मेरा परसेप्शन है। स्टीव जॉब्स को आप कभी पढ़िए, जानते हैं स्टीव जॉब्स को आप लोग? कौन है स्टीव जॉब्स? फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी। और एप्पल कंपनी आप लोगों को पता है, आज एप्पल टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, एप्पल कंपनी का मार्केट कैप रशिया के जीडीपी से बड़ा हो चुका है। रशिया कंट्री के जीडीपी से बड़ा एप्पल कंपनी का, सिंगल कंपनी का मार्केट कैप है। दिस इज पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज पावर ऑफ इनोवेशन, दिस इज पावर ऑफ स्टीव जॉब। ठीक है, स्टीव जॉब बोलते हैं, उनका कहना है कि जब हम लाइफ की जर्नी में चलते जाते हैं, कोई पॉइंट आता है और हमको लगता है कि यहाँ पे बहुत हमारे साथ नेगेटिव हो गया, और वहां पे हम रोने भी लगने लग जाते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, हम सोचने लगते हैं, होता है ना ऐसे।
चलो आप में से कोई हो, कोई है कि भाई मैं आईएम जाना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद आप कैट का एग्जाम दोगे, आईएम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया मान लो, हमको लगता है कि बहुत बुरा हो गया, वी फील लाइक दैट, है ना। स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि लाइफ में फ्यूचर इज अनसर्टेन, इट्स अ वेरी डायनेमिक, फ्यूचर कहाँ जाएगा नोबडी नोस, तो इसलिए उनका पॉइंट है कि लाइफ में आप निराश मत हो, कोई कोई फेल्योर भी आए तो भी निराश मत हो, आप आसानी से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जब और आगे जाकर चलोगे ठीक है तो आपको रियलाइज होगा कि जो मैं पीछे सोच रहा था कि मेरे साथ बुरा हुआ है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा हुआ था, और एक फेल्योर के बदौलत आप ज्यादा बड़े सक्सेस तक पहुंच पाए, ये आप फील करो, ठीक है। हम पास्ट को तो देख सकते हैं, फ्यूचर को नहीं देख सकते, इसलिए हमको फ्यूचर को में क्या होने वाला उसको तो जानते ही नहीं, इसलिए हमको कभी भी नेगेटिव थॉट माइंड में नहीं लाना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ते 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 लाइफ में जाते हैं तब तो जब पीछे मुड़कर देखते हैं पास्ट को, तब हमको रियलाइज हुआ था होता है कि जो हम सोच रहे थे कि मेरे लिए नेगेटिव हुआ है वो दरअसल आपके लिए ज्यादा अच्छा हुआ था, आपको ऐसा फील होगा लाइफ में, उसको बोलते हैं दिस इज कनेक्टिंग अप डॉट्स, जो लाइफ के इंसिडेंट्स हैं उसको डॉट के रूप में हम कनेक्ट करते हैं, तो पीछे मुड़कर कनेक्ट करते हैं तब सही तरीके से हमको समझ में आता है कि जिसको हम नेगेटिव सोच रहे थे वो तो मेरे साथ पॉजिटिव हुआ था। इसलिए किसी भी लाइफ के इंसिडेंट पे रोने का, दुख मनाने का या नेगेटिव थॉट लाना ही नहीं चाहिए, ये कनेक्टिंग डॉट्स की थ्योरी है स्टीव जॉब्स की। मैं इसको आगे बोलता हूं, मेरा मानना है लाइफ में पास्ट में डॉट कनेक्ट्स होते हैं, इट्स परफेक्टली राइट थ्योरी, बट मेरा एक लाइन और उसमें मैं ऐड करता हूं, ऐड करते हुए कहना चाहता हूं कि इफ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन देन डॉट्स विल बी कनेक्टेड पॉजिटिवली, एंड इफ यू आर अ नेगेटिव पर्सन देन योर डॉट्स विल बी कनेक्टेड नेगेटिवली। अगर आप एक लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ वहां पे आप सोचे कि भाई मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, अरे बेकार हो गया, और इसके बाद अगर आप नेगेटिव आदमी हैं तो वो आपको और गर्त की ओर ले जाता जाएगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव पर्सन हैं तो आपको ज्यादा बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स की ओर ले जा सकता है। तो दिस इज माय पॉइंट कि कनेक्ट होते हैं लाइफ में डॉट्स, और जो पॉजिटिव आदमी होता है उसके लिए लाइफ में डॉट्स पॉजिटिवली कनेक्ट होते हैं, और जो नेगेटिव आदमी होता है उसके लिए डॉट्स नेगेटिवली कनेक्ट होते हैं। ये मैं आप लोगों को एक मैसेज अपनी ओर से और देना चाहूंगा। तो इसलिए आप ऐसे फेज में है लाइफ के, इट्स अ वेरी फ्रेजाइल फेज, बड़ा मतलब बड़ा ही फ्रेजाइल टाइप का टाइम होता है, जरा सा कुछ हो जाता है हमको बहुत बुरा लगने लगता है, हम जरा सी बातों पे विचलित हो जाते हैं, तो आपको इसमें बड़े मैच्योरिटी से काम करना है और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अब अगला मैं एक पॉइंट और रखना चाहूंगा, बहुत टाइम हो गया, एक पीस हो रहे हैं, अच्छा कंटिन्यू कर, कितना टाइम तक किसी साहब जी, 10-15 मिनट, ठीक है। तो एक एंगल मैं और आपके सामने रखना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं फील करता हूं कि देखो इंडिया बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। मैं थोड़ा सा जिस इसमें से हो सकते हैं कि आप में से कई सारे लोगों के फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमजोर होंगे इकोनॉमिकली, हो सकता है तो आपको इमीडिएट कोई मतलब जॉब की या कोई मतलब इनकम की जरूरत नियर फ्यूचर में हो सकती है, तो उसके लिए आप उस डायरेक्शन में भी काम करिए, बट थोड़ा सा इनोवेटिव और डिफरेंट सोचने का टाइम इंडिया में आ चुका है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आज एक चीज आप गौर करिए, यूएसए का है ना, अमेरिका के 100 रिचेस्ट लोगों का लिस्ट बनाइए, या वर्ल्ड के 100 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट बनाइए, वर्ल्ड के या यूएसए के 100 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट बनाएंगे आप तो आप पाएंगे उनमें से कोई भी बहुत ही रेयरेस्ट होगा, लगभग कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके 5-7 पीढ़ी से बहुत बड़ा उद्योग चलता आ रहा हो जिसके कारण आज वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है, यू विल नॉट फाइंड लाइक दैट, ठीक है, यू विल नॉट फाइंड लाइक दैट। वर्ल्ड रिचेस्ट मैन अभी कौन है, बदलते रहते हैं, है ना, वो आगे पीछे होते हैं, कभी एलन मस्क आ जाता है, कभी जेफ बेजोस आ जाता है, ठीक है, जेफ बेजोस बहुत समय तक रिचेस्ट पर्सन रहा, जेफ बेजोस किसका मालिक है, अमेज़न का, ठीक है, उसने क्या किया,
उनमें जान उसके दादाजी बना के गए थे, नहीं बनाए थे, ठीक है। उसने अपना सिंपल एक आइडिया, एक इनोवेशन किया, वो क्लिक किया और वो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी, एलन मस्क, बीच बीच में एलन मस्क आता है, ठीक है, जिसके एक ट्वीट से क्रिप्टो गिर जाता है या ऊपर चला जाता है एक ट्वीट से, ठीक है। एलन मस्क क्या करता है, वो भी अपना इनोवेशन बेस्ड काम करता है, ईवी पे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, स्पेस टेक्नोलॉजीज पे। वो तो अब बोल रहा है कि मैं इंटरनेट को ये टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू नहीं, मैं सैटेलाइट के थ्रू करूंगा, तो शायद मुकेश अंबानी जी की भी दुकान बंद कर दूंगा, बोल रहा है, ठीक है। तो ही टॉक्स लाइक दैट, मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स, कंप्लीटली न्यू इनोवेशन, कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है। तो एलन मस्क नंबर वन पे आ जाता है, कभी नंबर टू पे आ जाता है। वी टॉक अबाउट स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल खड़ा किया, जिस कंपनी का मार्केट कैप रशिया के जीडीपी से बड़ा है, ठीक है। और आप सब, हम लोग अलग अलग फोन यूज करते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कोई कितना भी फोन बेचे, सैमसंग कितना भी बेचे, वीवो, ओप्पो जितना भी बेचे, ठीक है, जो प्रॉफिट है पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड की स्मार्टफोन मोबाइल इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है, उसका 70-80% एप्पल के पास ही जाता है, भले वो 10%, 20%, 30% मोबाइल बेचता है, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है। यूएस वॉरेन बफे मस्ट बी नोइंग, वॉरेन बफे जानते हो क्या करते हैं, क्या करते हैं वो, बर्कशायर हैथवे के फाउंडर है, ओनर है। पहले तो कपड़े की कंपनी थी, उसको बाद में टेक्सटाइल कंपनी को उन्होंने फाइनेंशियल कंपनी में कन्वर्ट किया। बर्कशायर हैथवे के एक शेयर की कीमत कितनी है मालूम है, अभी एक शेयर की वैल्यू बर्कशायर के अराउंड 4 crore rupees है। इफ यू इन्वेस्ट 4 crore rupees, देन यू विल गेट 1 share ऑफ बर्कशायर। वॉरेन बफे 13 इयर्स की एज में स्टॉक मार्केट में एंटर किया, 13 इयर्स की में, 13 साल की उम्र में, ठीक है। और उसने कहा था कि मैं जब 32 इयर्स की एज तक मुझे मिलेनियर बनना है, वो 1920s-30s की बात है, मुझे मिलेनियर बनना है, और अगर मैं 32 की एज तक मिलेनियर नहीं बन पाया तो 32 फ्लोर के बिल्डिंग से कूद कर मैं मर जाऊंगा। उसके लाइफ बचपन में क्या बीता था, उसके माँ पिताजी की जितनी भी सेविंग थी वो एक प्राइवेट बैंक में जमा था और वो प्राइवेट बैंक ही डूब गया। डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्री में सब होता रहता है, तो पूरा उनकी सेविंग डूब गई, खत्म हो गई, और वो लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बचपन में। 13 इयर्स की एज में स्टॉक मार्केट में एंटर कर उसने ये कहा था, और आज वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में पिछले 10 साल से वो ऊपर नीचे होता रहता है, पर टॉप 10 में हमेशा बना रहता है। और आप लोगों को देखो, रिच बनना हमारा कोई मोटिवेशन नहीं है, हमारा कल्चर भी नहीं है, हम किसी, हमारे किसी के घर में रिचेस्ट आदमी की फोटो हम लोग नहीं लगाते, है ना। गांधी जी के फोटो लगाते हैं जिन्हें कोई कपड़ा उपड़ा ही नहीं रहता, विवेकानंद जी फोटो लगाते हैं जो 39 साल में देते हैं। दिस इज नॉट अवर कल्चर कि हमको रिच बनना है, बट पैसा नहीं कमा पाना हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक। पैसा कमाना हमारे लिए चुटकी का काम होना चाहिए, लाइफ में इतनी कैपेसिटी डेवलप करो कि पैसा कमाना आपका मोटिव नहीं हो सकता, मोटिव नहीं होना चाहिए, एंड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड गोल नहीं होना चाहिए, बट यू शुड बी एबल टू क्रिएट मनी। आपकी वो कमजोरी नहीं होनी चाहिए, दैट इज माय पॉइंट, ठीक है। आपकी वो कमजोरी नहीं होनी चाहिए। हम सब सरस्वती के उपासक हैं, और सरस्वती का सच्चा उपासक वही है जिसके पीछे लक्ष्मी झक मार गया है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि आप इतनी कैपेसिटी डेवलप करो अपने अंदर कि मतलब आपको पैसा कितना भी कमाना हम कमा सकते हैं। वॉरेन बफे ने पैसे कमाए और उसने अपना 99% वेल्थ फिलैंथ्रोपी कर दिया, दान दे दिया, 99% वेल्थ उसने दान दे दिया। तो वी हैव टू क्रिएट सच जीनियस अमंग यू, आप लोगों के बीच से ही हमको ऐसे जीनियस चाहिए, तभी इंडिया आगे बढ़ सकता, उसके बिना भारत देश आगे नहीं बढ़ सकता। कि हमारे बीच ऐसे लोग हों जो इतने कैपेसिटी हो कि वर्ल्ड में किसी को भी हरा सके, और उनका माइंडसेट ऐसा हो कि सब कुछ छोड़ के जाने को तैयार हो, देन ओनली वन कंट्री कैन ग्रो, इंडिया कैन ग्रो, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप, ये तो हुई अमेरिकन की बात, में अमेरिकन एग्जाम्पल दिया। एशिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी के पहले भी कौन था,
जैक मा है ना, जैक मा वो किसके अलीबाबा का फाउंडर है ना, वो क्या करता है ई कॉमर्स। अमेजान के पहले जेफ बेजोस के पहले अमेजान के पहले कौन सी रिचेस्ट था, वॉलमार्ट, ठीक है। तो आपको ये हो गए ग्लोबल एग्जांपल्स, मैं आपको इंडिया के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आप गूगल करिएगा, समय अनअकैडमी, जानते हो आप लोग अनअकैडमी, मस्ट बी नो। आईपीएल को इस बार स्पॉन्सर किया था अनअकैडमी ने, सचिन तेंदुलकर उसके ब्रांड एम्बेसडर है। अनअकैडमी का फाउंडर रोमन सैनी है, ठीक है, वो लोग तीन लोग हैं, वो लोग फाउंडर हैं, रोमन सैनी इज वन ऑफ मेन फाउंडर। तो वो आईएएस था और 2000 ही इज वेरी क्लोज टू मी, अच्छे से दोस्ती रही उनसे। वो 2015 में रिजाइन किया आईएएस, 2015 में, अभी कितना साल हुआ है, 6 years है ना। और उस कंपनी का वैल्यूएशन 6 साल के अंदर उसने अनअकैडमी को 14,000 करोड़ का वैल्यूएशन है उस कंपनी, ठीक है, अनअकैडमी का। यू मस्ट बी वॉचिंग अबाउट बैजू, इसी तरह की है ना, जोमेटो आप सब जानते होंगे, डिलीवरी मंगाते होंगे है ना खाना, ठीक है। जोमेटो का ओनर कौन है, फाउंडर दीपेंद्र गोयल, ठीक है, दीपेंद्र गोयल इज फाउंडर ऑफ जोमेटो। उसने 2008 में जोमेटो की स्टार्ट किया, 2008 में, ठीक है, और 13 साल में अभी जोमेटो की मार्केट में लिस्टिंग हुई और उसका मार्केट कैप कितना है, कितने कंपनी बन गई जोमेटो, अभी कितने कंपनी बन गई, 1,10,000 करोड़ रुपए की कंपनी इन जस्ट 13 years फ्रॉम जीरो। इट्स नॉट लाइक कि हमने वहां बिल्डिंग बनाया, उसमें छंड लगाया, सीमेंट लगाया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो है ना, ऐसा कुछ नहीं। इट्स जस्ट आइडिया, एक आइडिया है ना, इट्स एन आइडिया कि भाई हम फूड डिलीवरी का सिस्टम डेवलप करेंगे, और वो सिस्टम डेवलप होते होते थे 1,10,000 करोड़ की कंपनी बन गई केवल 13 साल के अंदर। हम सब गेमिंग करते रहते हैं, सब गेमिंग, कौन कौन गेमिंग करते हो, ठीक है, सब लोग गेमिंग करते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग गेमिंग करते हो। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट नजारा, नजारा के बारे में जानते हैं, नजारा कभी गूगल कर लिया। नीतीश मित्र सेन नाम का एक लड़का 19 साल की एज में, इंडियन लड़का है, 19 साल की एज में, वो भी गेमर था, गेमिंग करता रहता, तो 19 साल की एज में, 19 years of age, उसने something 96 में उसने कंपनी गेमिंग की ही बनाई, वो खुद गेमिंग करता था, उसने गेमिंग की कंपनी बना ली, ठीक है। और आज नजारा का वैल्यूएशन, गेमिंग कंपनी का वैल्यूएशन 5,000 करोड़ रुपए है, 5,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन। तो दिस थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस, ये सब चीजें हमारे आसपास हो रही। तो इसलिए आप सब लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल वे में भी सोचें। घर की फैमिली की इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, हम हर चीज में हर हमेशा रिस्क नहीं ले सकते हैं, बट दुनिया में क्या हो रहा है उसको भी हम वॉच करते रहें और उसके अकॉर्डिंगली अपने लाइफ को जीने का प्रयास करें, कुछ नए इनोवेशन करें, कुछ नया करें, आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, बहुत अच्छा, जो आप कभी सोचा नहीं होगा किसी ने, वो उतना अच्छा कर सकते। इंडिया का आने वाला 10-15 साल, इट्स न्यू इंडिया, इंडिया में सब कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, नए नए आइडियाज यहां इमर्ज करेंगे और नए आइडियाज में रिवॉल्यूशन होंगे। वी आर वेरी गुड इन मैथ्स, हम लोग मैथ्स में इंडियंस बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं टेक्नोलॉजी, भले ही पढ़ना नहीं जानता होगा गांव का, लेकिन डोकरा बोबा वो व्हाट्सएप चला लेगा, इंस्टा देख लेगा। मैं जाता हूँ, मैं आश्चर्य हो जाता हूँ, मैं बस्तर जाता हूँ, ठीक है, गांव में बस वहां पे बस्तर में जाता हूँ, तो बस्तर में मेरे को 60-65 साल का बीजेपी कार्यकर्ता बोलता है कि मैं आपको फेसबुक लाइव देखता हूँ, फेसबुक लाइव देखता हूँ। तो दिस इज इंडिया, और इंडिया के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहे कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, विमे से कि हमारी सड़कें खराब है, हमारे रेल नेटवर्क खराब है, बट इंडियन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मच 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 अहेड, बहुत आगे है हमारा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए इंडिया में बहुत तेजी से रैपिड चेंजेस होने वाले हैं, अगर उस चीज को आप विजुलाइज करके देख के कुछ कर पाते हो, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल वे में, तो यू विल बी द विनर, जिसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, यू विल बी द विनर। तो ये आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। और मैंने आईएएस क्यों छोड़ा, बहुत अच्छे से वो वीडियो में दिखा रहे थे आप लोग,
मैं यही कहता हूं कि हमको किसी चेयर का गुलाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी बिलीवर ऑफ योर सेल्फ, आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भी कलेक्टर की कुर्सी ओपी चौधरी से, ओपी चौधरी उस कुर्सी से नहीं है, ये आपके अंदर भरोसा होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। ये आप पहला लाइफ का थ्योरी बनाओ। आप कल आप मेहनत करके आईएएस बने थे, आज मेहनत करके हम कुछ और कर सकते हैं। अगर आपके अंदर दम है, अगर आपके अंदर योग्यता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दैट शुड बी बिलीव इन योर माइंड इन योर लाइफ, आपके अंदर वो बिलीव होना चाहिए। पहला चीज ये, आप सब कुछ खोने के बाद भी हमारा ब्रेन तो हमारे पास रहेगा, हमारी ताकत तो हमारे पास रहेगी, हम सरस्वती की उपासक हैं, उसको कोई दूसरा नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये बिलीव हमारे अंदर होना चाहिए। पॉलिटिक्स में क्यों ज्वाइन किया, इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि इंडियन डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। हम उसको लाइक करें या डिसलाइक करें, हम उसको लाइक लव करें या हेट करें, बट इट्स इंपॉर्टेंट, आई बिलीव दैट थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग इन एनी पार्टी लाइन, बट बेसिकली पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, इसको मैं बिलीव करता हूँ। और हम उसको बाहर से क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। हम कब तक उसको बाहर से क्रिटिसाइज करेंगे, मैंने ये सोचा। और मैं लाइफ की इस स्टेज में आ गया था, मेरे पास इतने लोग जानते हैं, इतने लोग पहचानते हैं, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतना भगवान की दया से थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस स्टेज में आकर अगर मैं रिस्क ना लूं तो कौन रिस्क लेगा। और बाहर से क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि आई शुड बी पार्ट ऑफ दैट एंड आई शुड बी एबल टू डू समथिंग गुड विद इन द सिस्टम। ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है। और चाणक्य का एक स्टेटमेंट मैं बोलना चाहूंगा कि चाणक्य ने कहा था कि बुरे लोगों के सॉरी अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करने लगते हैं। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ चाणक्य। तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू से अगेन कि मेरा पर्पज है कि हम कुछ अच्छा क्रिएट करें। पॉलिटिक्स एक माध्यम हो सकता है, दैट इज नॉट द एंड। हम कुछ अच्छा करें, आप चुनाव जीतते हो हारते हो कहां नहीं हो, यू कैन डू गुड थिंग्स एनी टाइम एनीवेयर। आप हमेशा अच्छा काम कर सकते हो। और जैसे मैंने अभी अपने लाइफ में एम बनाया है कि थ्रू नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टॉक मार्केट मैं करीब 15 साल के अंदर 1000 लोगों को करोड़पति बनाऊंगा। मैं एक मिशन बनाकर चल रहा हूँ। तो ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दैट शुड बी द वे टू लीव द लाइफ। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट बनिए, अपने ऊपर अपनी ताकत अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए, अपने अंदर स्किल्स डेवलप कीजिए, अच्छा राइटर बनिए, अच्छा इकोनॉमिस्ट बनिए, अच्छा साइंटिस्ट बनिए, अच्छे मैनेजमेंट ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर बनिए, अच्छे इनोवेशंस कीजिए। आपको अपने अंदर भरोसा होना चाहिए। दुनिया के जो बेस्ट इनोवेटर्स हैं, जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं, है ना। बिल गेट्स बैक बेंचर थे, ड्रॉप आउट थे। तो ऐसे वर्ल्ड के बेस्ट लोग जरूरी नहीं कि वो हमेशा टॉपर ही रहे। तो यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने स्किल्स को पहचानिए। हर आदमी में भगवान ना स्ट्रेंथ देता है, वीकनेस देता है तो स्ट्रेंथ भी देता है। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको भगवान ने स्ट्रेंथ नहीं दिया होगा, सबको स्ट्रेंथ देता है। बट हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होना चाहिए, और अपने स्ट्रेंथ को पहचान करके उस स्ट्रेंथ को यूज करने की हैबिट। जब आप ऐसा कर लेंगे तो दुनिया में हमेशा सक्सेस होंगे। मैं आप सब लोगों को यही बधाई देना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने आप लोग लाइफ में एक बड़ा एक अच्छा स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं, वीसी साहब की ओर से, पूरे फैकल्टी परिवार की ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गाँव अपने जिले अपने स्टेट का नाम रोशन करें, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। ये मेरी शुभकामना है। और मेरी एक शुभकामना है कि अभी आप जो सिग्नेचर करते होंगे वो महज एक सिग्नेचर है। मेरी ओर से आप सब लोगों को बेस्ट विशेष हैं कि विद इन 10 ईयर्स आप सब लोगों का सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए, मेरी यही शुभकामना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।